हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया या बेकार? सर, इस टाइम ऐसी बातें मत पूछो। अभी अभी हमारा रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर सीए फाइनल। जिन्होंने अपने सीए फाइनल्स क्लियर कर लिए, उनके लिए बहुत बहुत दिल से मुबारक। बिकॉज दिस इज द मोस्ट टफेस्ट कोर्स ऑफ आवर कंट्री। इसको निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं। एंड मेरे दिल से उन लोगों के लिए प्रेज निकलती है जो ये कोर्स क्लियर करके जाते हैं, सीए फाइनल जिनका निकलता है। खैर, जिनका नहीं क्लियर हुआ, डोंट वरी एट ऑल, आई एम विद यू। जिन बच्चों का अभी सीए फाइनल क्लियर नहीं हुआ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए बच्चों, रिजल्ट क्लियर होना, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये लक के ऊपर डिपेंड करता है एंड कुछ कहते हैं मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, बट लक भी मैटर करता है। तो अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो 70% मेहनत तो 30% लक भी काम करता है। बट आप ये सोच लीजिए कि लक ही लक चलेगा, मेहनत कुछ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिना मेहनत के कुछ इस दुनिया में नहीं मिला है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब जी जान से मेहनत करी है बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया, वहां पर लक चल जाता है। क्योंकि सीए फाइनल में जो भी बच्चा एग्जाम दे के आता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो पढ़ के नहीं गया। बिना पढ़े वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, एग्जाम में अपियर करने की कोई भी हिम्मत कर ही नहीं सकता अगर वो पढ़ा ही नहीं। तो उसके लिए पढ़ाई तो हर कोई करता है बट निकलता कोई कोई है, समझे? पढ़ाई तो हर कोई करता पर निकलता कोई कोई है। उसमें हमारी खुद की भी फॉल्ट रहती है, हमारी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होती। पढ़ाई तो हमने करी है बट हमारा पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, कमियां थी। हम कोर्स को, इतने वास्ट कोर्स को समेट नहीं पाए, रिवाइज नहीं कर पाए। वॉल्यूमिनस कोर्स है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस कोर्स है, टफ कुछ भी नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब कंटेंट को कैसे हमने इकट्ठा किया और वो एग्जाम से एक दिन पहले हम कैसे उसको रिवाइज करके चले गए कि हमारा सारा का सारा रिवीजन भी हो गया, एग्जाम भी अच्छा हो गया, वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल 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 साथ हूं। नवंबर 18 में आपको अटेम्प्ट देना है अपना, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अभी रिजल्ट आया है आपका, पहले तो थोड़ा दुख मनाते हैं बच्चे, रोते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, फोन ऑफ कर देते हैं, एक दूसरे को अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। वो सब बिल्कुल नहीं करना, बहुत इमेच्योर चीजें हैं वो सब। रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया, आपकी मिस्टेक है, उसको मिस्टेक को ओवरकम कीजिए, उस मिस्टेक को ओवरकम कीजिए। गलतियों से ही इंसान क्या करता है, सीखता है। मैं भी रह चुका हूँ सीए फाइनल्स में, बट अपनी गलतियों से मैंने सीखा कि भाई क्या क्या कमाई थी। किसी को बोलने से, फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को ठंडा कीजिए, खाइए पिए, टीवी देखिए, आज का दिन आप रेस्ट कीजिए और एक माइंड में स्ट्रेटेजी बनाइए कि अब मेरे को करना क्या है, आगे कैसे पढ़ाई करनी है। उसी चीज के बारे में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एक अपने पास नोटिक पैड और पेन जरूर रखिए, जो जो मैं बातें बताऊंगा उसको लिख लीजिएगा। और रात को जब आप बेड पे जाएंगे सोने, आज मत पढ़िएगा कुछ, मैं कुछ नहीं कह रहा आज पढ़ने के लिए। रात को जब बेड पर जाएंगे सोने तो उस प्लान को अपने सामने रखिएगा, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है प्लानिंग में। अब आप इतने इनफ मेच्योर है कि अपने हिसाब से प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जब रात को जाएंगे सोने, अपने बेड पे साथ में वो प्लान रख के सोइएगा और देखते रहिएगा कि हमने कैसे प्लान बनाया, क्योंकि कल से आपको वो चीजें अपनी स्टार्ट करनी है। कल का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है जी? अच्छा, जब मैं आपको प्लानिंग बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, इसमें एक दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि आपकी कोचिंग्स वगैरह ओवर हो गई हो, कि कोचिंग्स अब आपकी कोई भी पेंडिंग ना हो, अब सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी का टाइम। अगर कोचिंग है तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी ओवर कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम कोचिंग का नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम। और दूसरी चीज, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी आर्टिकलशिप वगैरह, ऑफिस वगैरह आप लोगों का नहीं, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी भी स्टूडेंट का इस समय आर्टिकलशिप या ऑफिस चल रहा होगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपके अभी दोनों ग्रुप पेंडिंग चल रहे हैं, जिन बच्चों का भी एक ग्रुप भी क्लियर हो गया हो उनके लिए वीडियो इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उनके पास अब इनफ टाइम है, वो आराम से अपना क्लियर कर सकते हैं। बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट उनको भी नहीं होना, पढ़ाई उनको भी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी उनके लिए भी बनती है। बट फिलहाल जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी दो बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, तो वो कैसे क्लियर कर लें दोनों के दोनों ग्रुप्स नवंबर 18 में अपकमिंग अटेम्प्ट। ठीक है, देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्टार्ट कैसे करता है, बच्चों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन रहती है कि स्टार्ट कैसे करें, अब बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई करें, सिंगल ग्रुप्स के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई करें, अगर बोथ के लिए जाना है तो कौन सा ग्रुप पहले करें कौन सा ग्रुप बाद में करें। बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट्स देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू हैव गिवन बोथ ग्रुप्स, अगर आपने बोथ ग्रुप्स दे दिए ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए, कौन सा ग्रुप आपको स्टार्ट करना है इन विच यू वर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जो ग्रुप आपका अभी अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं होता कि बोथ ग्रुप्स पढ़ के गए और दोनों के दोनों ही हमारे ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग हो, अगर रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आपका एक ग्रुप क्लियर स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए हैं तो। नेक्स्ट, इफ यू हैव, अगर आपने गिवन सिंगल ग्रुप, अगर आपने एक सिंगल ग्रुप ही क्यों ना दिया हो और वो क्लियर आपका नहीं हुआ, तो अब अगले अटेम्प्ट में यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप्स, पहली चीज तो ये आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं, और दूसरी चीज स्टार्ट किससे करनी है, जो ग्रुप आपने नहीं दिया, नॉट गिवन, जो ग्रुप अभी आपने नहीं दिया, समझे मेरी बात। अगर दोनों ग्रुप दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने, मिस्टर एक्स स्टूडेंट ने दोनों ग्रुप दे दिए बट उसका ग्रुप वन स्ट्रॉन्ग नहीं था, ग्रुप टू पहले से उसने काफी अच्छा बना रखा था बट क्लियर नहीं हुआ, वो बात की बात है, बट ग्रुप वन उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो स्टार्टिंग किससे करनी है, ग्रुप वन से करनी है। एक स्टूडेंट मिस्टर वाई है जिसने दिया ही ग्रुप वन था, दिया ही ग्रुप वन था बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको स्टार्टिंग किससे करनी है, क्योंकि ग्रुप वन वो पहले पढ़ चुका है, तो ग्रुप टू से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टाइम ज्यादा आता है, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपके दिमाग में टेंशन भी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, स्ट्रेस भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो अभी आप वो वाली चीजें कर सकते हैं जिसमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है, जो आपने, जिसमें आपकी कमांड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियों को दूर करने का टाइम कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अब मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड देखिए, जो कल की डेट है, कल है 21 जुलाई 2018, और आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 1 नवंबर को, तो आपके पास कितने दिन बचे, आपके पास दिन बचे जी 31 अक्टूबर तक के, ये दिन होते हैं आपके 102 डेज। इसमें से मैं अज्यूम करता हूं कि नवंबर अटेम्प्ट वैसे ही फेस्टिव सीजन होता है, एक डिस्ट्रेक्शन सबसे बड़ी यहां पर क्या आती है कि सारे फेस्टिवल इसी अटेम्प्ट में आ जाते हैं, रक्षाबंधन भी अभी आ जाएगा, जन्माष्टमी भी अभी आ जाएगी, दिवाली भी अभी आ जाएगी, सारे फेस्टिवल्स अभी आ जाते हैं, तो इस टाइम पीरियड में डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, बट आपको उन डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, आपको उनसे फाइट करके आगे निकलना है, उन चीजों पे ध्यान अब नहीं देना, एक बार एग्जाम क्लियर कर लीजिए तो ध्यान देते रहिए अच्छे से, दिवाली में नहीं है कौन रोक रहा है। तो फिर भी मैं अज्यूम करके चलता हूं कि 5 दिन, 4 से 5 दिन वहां पर हमारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चे कितने दिन आपके पास, 97 डेज आपके पास बच गए। ओके, इसमें से आपको कम से कम आपको 40 डेज आपको क्या करने पड़ेंगे, रिवीजन के लिए एंड में निकालने पड़ेंगे, 40 डेज यू हैव टू गिव ओनली फॉर रिवीजन, उन 40 दिनों में आपने जितना भी पढ़ा है उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी पढ़ा है वो सब जीरो हो जाएगा, गोल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर रिवाइज नहीं किया तो वो रिटेन नहीं हो पाएगा, तो वो 40 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, कोई भी नई चीज नहीं करनी है, तो 40 दिन को पहले ही अलग करके चल लीजिएगा। बचे कितने दिन, 57 डेज। ओके, इसमें से लेस कर दीजिए 20 डेज, 20 डेज किस लिए, 20 डेज वो वाले जो आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड ग्रुप है उनको दोबारा ब्रशअप करने के लिए,
समझे। अगर आपने एक ग्रुप का एग्जाम अभी दे के आया, एक ग्रुप अपियर करके आया, तो वो वाला ग्रुप आप दोबारा अब ये जो 20 दिन बचेंगे उसमें रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ उसमें ब्रशअप करना है, पहले ही आप उसमें टाइम डिवोट कर चुके हैं। या फिर अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे तो उसमें से जो ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग था उसमें आपने पहले टाइम ज्यादा डिवोट किया था, तो अब 20 डेज में उसको आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस हमारे पास बचते हैं 37 डेज। ठीक है, 37 डेज में से 2 दिन आपके पेपर वन के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे, क्योंकि जनरली बच्चों की टेंडेंसी होती है कि एग्जाम से 2 दिन पहले हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना है और पढ़ना भी पड़ता है वो। मान लो अगर आपका 1st of November को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम है, तो 30 और 31st को बच्चे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही पढ़ेंगे, उनको कह भी दोगे कोई और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि उस टाइम पे सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन हमने यहां से निकाल दिए, बचे कितने हमारे पास, इफेक्टिवली 35 डेज बच गया हमारे पास। अब जो यहां पर हमारे 5 दिन वेस्ट हुए, ये देखिए जो मैंने 5 दिन निकाले थे, अब वो आपकी स्मार्टनेस है, आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप इन 5 डेज में से कितने दिन निकाल सकते हो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और बढ़िया करने के लिए। अब आप समझ रहे हो टाइम तो हम कितना वेस्ट कर देते हैं, समझ रहे टाइम की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कितनी समझ में आ रही होगी, टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक पल बहुत कीमती है। एक भी दिन वेस्ट कर दिया तो समझ लो आपके सीधा इफेक्ट, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां चला जाएगा, आपके रिजल्ट पे, समझे। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इसलिए मैंने बोला कि कल से, मतलब कल से, कल का वो परसों नहीं जाना चाहिए, कल से मतलब कल से आपको पढ़ाई स्टार्ट अपनी करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? अब मैंने क्या बोला, अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास जो ग्रुप आपको स्टार्ट करना है उसके लिए 35 टू 40 डेज है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, तो फिर भी मैं ज़ूम करके चलता हूं 35 टू 40 डेज है आपके पास फॉर स्टार्टिंग योर सीए फाइनल ग्रुप, आइदर इट इज ग्रुप वन और ग्रुप टू, यू हैव 35 टू 40 डेज। अब सर स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो जो आज का दिन है, जो आज का दिन आपके पास है, अब इसको बिल्कुल भी खराब नहीं करना, अपनी बुक्स को निकाल लीजिए, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपने कोचिंग वगैरह ली है उनकी बुक्स को निकाल लीजिए, जो भी आपके नोट्स वगैरह है उन नोट्स को निकाल लीजिए, बट इसके साथ साथ कुछ आपकी जो कमियां रहती है वो यहां पर रहती है, ये 3-4 चीजें आपको जरूर निकालनी पड़ेगी। ICAI का स्टडी मैट, जिसको कुछ बच्चों ने आज तक खोल के भी नहीं देखा होगा, वो स्टडी मटेरियल आपको निकालना ही पड़ेगा। ICAI का प्रैक्टिस मैनुअल, जिसको मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने अभी तक देखा ही नहीं होगा कि कैसा होता है, वो भी निकाल लीजिए। RTPs डाउनलोड कर लीजिए, ICAI की RTPs डाउनलोड कर लीजिए, पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स की, एक RTP तो अभी आपकी रिलीज होगी जो नवंबर 18 की लाएगी, वो वाली भी करनी है, बट पास्ट 2-3 अटेम्प्ट की, नवंबर आप May 17 से लगा लीजिए, May 17, November 17, May 18 एंड November 18, ये 4 अगर RTPs आपने कर ली, ब्रिलियंट। एंड ICAI के मॉक टेस्ट पेपर भी होते हैं, एक मॉक टेस्ट पेपर अभी आपका रिलीज होगा और एक मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज की कुछ अनाउंसमेंट वगैरह टाइमली आती रहती है, तो अपने आप ICAI की वेबसाइट को टाइमली विजिट करते रहिए अमेंडमेंट्स वगैरह देखने के लिए, ये सब आपको करनी पड़ेगी। बच्चे जो पढ़ के जाते हैं, जनरली मैंने टेंडेंसी देखी है बच्चों की, सिर्फ यही करके चले जाते हैं, बुक्स, कोचिंग की प्लस नोट्स, दैट्स इट, और वो सोचते हैं हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर क्या है, बेवकूफी होगी, इतनी सारी चीजें तो आपने छोड़ दी। अब ICAI आपकी कोचिंग की बुक में से थोड़ी ना पेपर बनाएगा, वो तो अपने स्टडी मैट से पेपर बनाएगा, वो अपने प्रैक्टिस मैनुअल से पेपर बनाएगा, वो अपनी RTPs और मॉक टेस्ट से पेपर बनाएगा, वो ICAI इंस्टीट्यूट इशू क्यों कर रहा है आप लोगों के लिए भाई, इंस्टीट्यूट अगर अपने इतने एफर्ट्स लगा रहा है इशू करने के लिए, उनको बनाने के लिए, तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि उसको पढ़े, बच्चे नहीं पढ़ते इसलिए वो फेल हो जाते हैं।
तो ये चीज हमें निकालनी है, स्टडी मैट पीएम आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, ये जरूर 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 आपको करने हैं। कैसे करने हैं अभी मैं डिस्कस करता हूं। ये तो हो गया हमारा कंटेंट, ये अब ये काम आपको आज ही करना है, कल से आपको पढ़ाई शुरू करनी। अब जो आपके 35 to 40 days बचे स्टार्ट आपने एलोकेट किए ग्रुप वन के लिए, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं आप ग्रुप वन से स्टार्ट कर रहे हो, तो ग्रुप वन में सब्जेक्ट है हमारे एफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजर SFM, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस, लॉ का सब्जेक्ट है। यदि मैं ओल्ड कोर्स की बात करूं, न्यू कोर्स के बच्चे भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट्स उनके चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, बट स्ट्रेटेजी बिल्कुल उनकी सेम रहेगी, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। ओल्ड कोर्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बट न्यू कोर्स वालों के लिए भी ये वीडियो बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेबल है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल एप्लीकेबल है, बस नाम उनके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है क्योंकि पेपर तो वही है, पेपर में तो कोई बदलाव है ही नहीं। चलो FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ, 40 days, 35 to 40 days, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10 days पर सब्जेक्ट, यू हैव 10 days पर सब्जेक्ट, 10 दिन एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास है, और 10 दिन में बड़ी आराम से आपका सब्जेक्ट कवर हो सकता है अच्छे से सब कुछ। करना कैसे है सर, उसको कवर करना कैसे, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड सेकेंड सब्जेक्ट फॉर सम कहते हैं माइनॉरिटी क्वेश्चन के लिए, मतलब सब्सटैंशियली आपको एक सब्जेक्ट कवर करना है और एक सेकंड सब्जेक्ट आपको उसकी माइनॉरिटी सेट ऑफ करने के लिए रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने FR स्टार्ट किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट किया, तो FR के साथ अपना ऑडिट का सब्जेक्ट उठा लीजिए, क्योंकि FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट के कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेक्स वगैरह आप FR में भी पढ़ेंगे और ऑडिट में भी वो यूज हो जाते हैं, तो साथ साथ आपके कवर होते चले जाएंगे। एंड SFM और लॉ बिल्कुल साथ साथ उठा लीजिए, क्योंकि दोनों में कोई इंटर रिलेशन है ही नहीं, दोनों में क्या नहीं है, कोई इंटरलेशन नहीं है, SFM छोटा सब्जेक्ट है, लॉ बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप करें कि SFM उठा लिया, सॉरी FR उठा लिया और साथ में लॉ उठा लिया, तो FR भी आपने हैवी सब्जेक्ट उठा लिया और लॉ को भी हैवी सब्जेक्ट उठा लिया, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बैलेंस कैसे बनाकर रखना है, FR, ऑडिट, SFM एंड लॉ। सब्सटैंशियल का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 12 से 14 आवर्स की स्टडी करी, 12 टू 14 आवर्स की स्टडी करी, तो उसमें से 10 टू 12 आवर्स आपको अपना मेन सब्जेक्ट करना पड़ेगा और 2 आवर्स आपको अपना एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना होगा। कैसे, मान लीजिए कल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जी कर रहे हैं, आप FR और ऑडिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 टू 12 आवर्स आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ना पड़ेगा और बाद के 2 आवर्स आपको ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। सर वो 2 आवर्स कब निकालने हैं, वो 2 आवर्स तब निकालने हैं जब आप एक सब्जेक्ट से कंटिन्यूस पढ़ पढ़ के थोड़ा सा बोर हो जाएं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप दूसरा सब्जेक्ट सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। भाई सब्सटेंशियली एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है हमारा 10 डेज में, साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ क्या होता रहेगा, कवर होता रहेगा। तो इसी हिसाब से अगर फर्स्ट 10 डे लॉट होगा, जो पहले फर्स्ट 10 डेज, जो पहले 10 दिन होंगे, उसमें आपने FR तो कंप्लीट कर ही लिया, प्लस जो आपका ऑडिट था, ऑडिट का भी कुछ ना कुछ पोर्शन तो हो गई, जब आप 2-2 घंटे 10 दिन ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 20 आवर्स की स्टडी आपने ऑडिट में भी कर ली, ऑडिट में भी कर ली। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ही 10 डेज आपके खत्म हो जाए, तो उस सब्जेक्ट को वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे उसको एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि अगर आपने आगे एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट जाएगा दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। फिर जो आपके सेकंड 10 डेज होंगे, सेकंड 10 डेज, उसमें आपका जो पहले 10 डेज में एडिशनल सब्जेक्ट था, उसको यहां पर क्या कर लीजिए, मेन सब्जेक्ट बना लीजिए, जैसे ऑडिट को आपने मेन सब्जेक्ट कर लिया, प्लस साथ में आप स्टार्ट कर दीजिए लेट अस से SFM, कि भाई ऑडिट को मैं प्रिंसिपली पढ़ूंगा रोज 10-10 घंटे और SFM 2-2 आवर्स पढ़ लूंगा, तो इसका मतलब पूरे 10 दिन में 20 आवर्स आपने SFM भी कर ली। थर्ड 10 डेज, जो अगले 10 डेज आएंगे थर्ड पोर्शन वाले, तो उसमें जो SFM आपने एडिशनल रखा था उसको मेन सब्जेक्ट बना लीजिए और साथ साथ आप अपना क्या शुरू कर दीजिए, लॉ शुरू कर दीजिए।
तो SFM आपने सब्सटेंशियली कवर कर लिया, और लॉ आपने 20 आवर्स में देकर थोड़ा सा लॉ भी कवर कर लिया। 20 आवर्स बहुत होते हैं, 20 आवर्स में काफी कुछ कवर हो सकता है। और जो आपका फोर्थ 10 डेज आएंगे, जो आपके फोर्थ 10 डेज आएंगे, उसमें माय डियर स्टूडेंट्स आपको लॉ करना है, बचाई क्योंकि आपके पास लॉ है तो लॉ को फुल फ्लेज कवर करना है आपको, और साथ साथ कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पर आपके रह जाएंगे, जैसे FR में आपका एक चैप्टर रह गया, ऑडिट में कुछ ऐसे आपके रह गए, SFM में एक दो चैप्टर रह गए, तो वो आप साथ साथ यहाँ पर कवर करके चल सकते हैं। और इन 40 डेज में, एंड आई एम डैम श्योर आपका ग्रुप वन, कोई भी ग्रुप जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो अरे बड़ी आसान से और अच्छे से कवर हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो क्या स्ट्रेटेजी हमने समझी, कि जो भी हमारी स्टडी पीरियड है, बीइंग इट 12 आवर और 14 आवर्स, यू हैव टू कर सब्सटेंशियली वन सब्जेक्ट एंड एडिशनली अनदर सब्जेक्ट। और जो एडिशनल आपका पहले 10 डेज में होगा, उसको आप अगले 10 डेज में मेन सब्जेक्ट बना लीजिए, फिर एक और सब्जेक्ट ऐड करके एडिशनल कर दीजिए, तो ऐसे आपका कवर सिलेबस कवर इजिली हो जाएगा। क्लियर? अब सर इन 10 डेज में हमें करना क्या है? इन 10 डेज में आपको सब कुछ करना है, सब कुछ, एंटायर थिंग यू हैव टू कवर इन दीज 10 डेज। कैसे? आपको अपनी जो कोचिंग की बुक्स हैं उनको रिवाइज करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको साथ साथ RTP, मॉक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस मैनुअल एंड ICI का स्टडी मटेरियल, ये दोनों कवर कर लेने। फॉर एग्जांपल अगर मैं FR की बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं, मैं एक बार चारों सब्जेक्ट को एक बार थोड़ा सा यहां पर आपको टच भी कर देता हूं, FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ। डू स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स, जो आपके छोटे टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स हैं, उनसे स्टार्ट कीजिए। कभी भी हैवी टॉपिक नहीं उठाइएगा, क्योंकि हैवी टॉपिक अगर आपने स्टार्टिंग में उठा लिया, टाइम वेस्ट कर जाएंगे और डिमोटिवेट कर जाएंगे। इजी टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स, उनको पहले करके खत्म कर दीजिए। उससे क्या होगा, टॉपिक का टॉपिक कवर हो गया, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, हिम्मत बन जाती है आगे बढ़ने की। अब जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, लाइक एक आपका है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स का टॉपिक हो गया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, AS प्लस इंडेस भी है आपके कोर्स में, तो इंडेस भी आपको करने हैं। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप स्टार्टिंग में करके चल सकते हैं। वो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा, डिपेंड करता है ये भी स्टूडेंट को कौन से टॉपिक ईजी लगते हैं, कौन से टॉपिक टफ लगते हैं, वो पहले कर सकते हैं। बट गलती क्या करेंगे बच्चे, गलती कुछ बच्चे करते हैं कि अमेलगमेशन, होल्डिंग, जो कंसोलिडेशन का चैप्टर है, ये बच्चे पहले उठा लेते हैं। अगर ये पहले उठा लिया तो समझ लीजिए आपके 10 दिन इसी में ही निकल जाएंगे, आगे आप कुछ नहीं बढ़ पाओगे। और वेटेज क्या है इसकी, पहली बात तो चॉइस आ जाती है, बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, कोई अमेलगमेशन कर जाता है, कोई होल्डिंग करके चला जाता है। और फिर भी अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कि आपको दोनों ही करने हैं, तो कितना वेटेज है इसकी, 32 मार्क्स की। That's it. 120 में से 32 मार्क्स की वेटेज आपकी इनकी है, तो बचे बैलेंस 88 मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट्स आप पहले वो कर सकते हैं, बाकी चैप्टर्स पहले कर सकते हैं। Now come to another subject, that is your SFM. अगर मैं SFM की बात करूं, तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अपना ये डिविडेंड पॉलिसी होता है, ये सब पहले कर लीजिए, और कुछ जो बड़े बड़े टॉपिक लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स वगैरह, इन सबको बाद में कीजिए। ऐसे ही ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स पहले कर लीजिए, कुछ एसेज वगैरह उनको पहले कर लीजिए, और बाकी के चैप्टर्स को बाद में कीजिए। ऐसे लॉ में अलाइड लॉज पहले कर लीजिए, कॉर्पोरेट लॉज में पहले 3-4 चैप्टर्स हैं वो पहले कर लीजिए, डायरेक्टर डायरेक्टर से शुरुआत पहले मत कीजिएगा। तो इस हिसाब से अपनी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। Is this clear to you? तो हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे हमें करना है। अब जो भी आपको टॉपिक पहले उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर बेस्ड पेमेंट किया, तो शेयर बेस्ड पेमेंट आपने कोचिंग से किया, कोचिंग वाली बुक से किया, नोट से किया, साथ साथ उसको RTP, मॉक टेस्ट पेपर, PM और SM से सॉल्व कर लीजिए तभी के तभी। बाद में अगर आपने छोड़ दिया कि मैं बाद में करूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल बाद में करूंगा, स्टडी मैट को बाद में देखूंगा, RTP बाद में देखूंगा, तो समझ लीजिए वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाद कभी नहीं आएगा। ये जो आपके 102 डेज हैं या 3 मंथ्स हैं, 3.5 महीने हैं, इसमें बाद का कोई स्कोप नहीं रहता।
चीजें छूट ही जाती हैं, बट चीजें कभी पूरी 100% कवर हो नहीं पाती। तो इसलिए जो करना है अभी कर लीजिएगा, बाद का कोई स्कोप नहीं रहे। क्लियर बच्चों? क्लियर, बोलिए हाँ या ना। ओके सर, चलो यहां पर आपकी क्या होगी, 40 डेज की जो स्ट्रेटेजी थी जो आपको ग्रुप स्टार्ट करना है उससे हमने कर लिया। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो 20 डेज है, अब आपको उन 20 डेज में अपना जो भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जो आपको पहले से ही आता है, प्लस जो आपने प्रीवियसली गिवन, जो आपने पहले दे रखा है, वो आप कर सकते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं, अब हम एग्जांपल ले रहे थे कि भी ग्रुप वन हमारा कम वीक था, या हमने ग्रुप वन को कम पढ़ा था, या ग्रुप वन हमने दिया ही नहीं था, सेकंड ग्रुप दिया था। तो इन 20 डेज में आपको क्या करना है, ग्रुप टू करना है। सेकंड ग्रुप में सब्जेक्ट है आपके एएमए, दैट इज योर कॉस्टिंग हुआ, इसका डीटी एंड आईटीटी, ये आपके ग्रुप टू के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 20 डेज का मतलब 5 डेज पर सब्जेक्ट, 5 डेज पर सब्जेक्ट, तो पांच पांच दिन में आप सब्सटैंशियली, वही चीज करनी है आपको, सब्सटैंशियली वन सब्जेक्ट एंड एडिशनली अनदर सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप 14 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, अब एक बेनिफिट पता क्या है, जब आप इन 20 डेज में आएंगे आपका स्टडी टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले आप 12 आवर्स की स्टडी करते थे, तो अब आपकी 14 डेज की स्टडी हो जाएगी बड़ी आराम से। पहले आप 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 14 आवर्स इजीली निकाल सकेंगे, ठीक है जी। तो 14 आवर्स की स्टडी में आपको कैसे करना है, अब मान लीजिए मैं 14 आवर्स पढ़ रहा हूं, तो 12 आवर्स मेन सब्जेक्ट एंड 2 आवर्स एडिशनल सब्जेक्ट। तो अगर मैं 2 आवर्स 5 डेज निकाल दिए, तो इसका मतलब एडिशनल सब्जेक्ट मैंने 10 डेज में कवर कर लिया, और यहां पर 12 × 5 दैट इज योर 60 आवर्स में आप अपना मेन सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने पहले पढ़ा है तो दोबारा आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और सेम चीज आपको करनी है कोचिंग नोट्स, कोचिंग के नोट्स हो गए, आरटीपी स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल एंड पीएम, ये सब कुछ आपको साथ साथ करना है टॉपिक बाय टॉपिक। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, समझ में आया? ओके जी, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ये हमारा यहाँ पर कवर हो गया। कॉम्बो, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, कॉम्बिनेशन अगर मेरे को बनाना हो, तो आप एएमए के साथ आईडीटी का कॉम्बो बना सकते हैं एंड इसका के साथ डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बो बना सकते हैं। रीजन बीइंग, एएमए बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट, कॉस्टिंग क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्लस लेंथी भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। आईडीटी इजी सब्जेक्ट है, कोर्स तो इसमें भी कंटेंट ज्यादा है बट इजी है, तो आप इसके साथ एएमए के साथ आईडीटी कर सकते हैं। एंड डीटी बीइंग अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट इज डायरेक्ट टैक्स, और इसका छोटा सब्जेक्ट है, तो आप इसका को डीटी के साथ कॉम्बो बना के कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहां क्लियर हुआ हमारी बातें, ठीक है। तो हमने 20 डेज में ग्रुप टू भी रिवाइज कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, अब आपके पास बचे बैलेंस 40 days फॉर योर रिविजन। 40 days बचे आपके रिविजन, जो कि आपके स्टार्ट होंगे नवंबर 18 अटेम्प्ट के लिए, 20 सितंबर ऑनवर्ड्स। 20 सितंबर के बाद अगर आप अपनी रिविजन स्टार्ट कर दीजिएगा, तो 20 सितंबर के बाद आप अपनी रिविजन बड़ी इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। रिविजन टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उठाना है, और 40 days डिवाइडेड बाय 8 सब्जेक्ट, तो 5 days पर सब्जेक्ट, 5 days पर सब्जेक्ट, हाँ जी 5 days पर सब्जेक्ट हो गया आपके पास। ओके सर, 5 दिन में आपको अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। कैसे, जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने नोट्स भी साथ साथ रेडी करते रहिएगा, एक कंसेप्ट रजिस्टर बना लीजिएगा। कंसेप्ट रजिस्टर में आपको क्या लिखना है कि जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन की वहां पर रेफरेंस दे दी कि भाई रिवाइज करना है तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। कुछ अगर आपको किसी टॉपिक में मेन पॉइंट लगता है तो वो आप देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट रजिस्टर आपको एग्जाम डे से एक दिन पहले भी काम आएगा और रिविजन करने में भी काम आएगा, और साथ साथ आपको जो आरटीपी आईसीआई इशू कर देगा फॉर नवंबर 18 एग्जाम वो कर लेना है, और प्लस इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर लेटेस्ट इशू कर देगा तो वो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना, आपकी 5 दिन में सब्जेक्ट फुली रिवाइज हो जाएगा। यहां पर आपको वन सब्जेक्ट पर डे की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके चलनी पड़ेगी।
बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? 5 days पर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट को ऑर्डर कैसे रखना है? कोई भी ऑर्डर रख लीजिए जो आपको पसंद हो, कोई भी ऑर्डर रख लीजिए, बट ग्रुप वाइज चलिएगा। मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, जो आप पहले स्टार्ट करेंगे ना, पहले आप वो वाला ग्रुप कीजिएगा जो आपने बाद में पढ़ा है, जो आपने 20 days दिया है ना, जिस ग्रुप को आपने 20 days दिया है उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है इन 20 days में आपकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में कमी रह गई हो, तो वो यहां पर आप टाइम एलोकेट उसको कर सकते हैं। समझे? स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? इस टाइप की स्ट्रेटेजी ही आपको एग्जाम क्लियर करवाने में मदद करती है। और जो बाकी के 4 subject हैं, वो आप बाद में group 1 बाद में ले सकते हैं। और group 1 में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आप सबसे एंड में लीजिएगा, क्योंकि उसका एग्जाम सबसे पहले होता है, तो वो सबसे एंड में रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका परफेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा वो, और इजीली आप अच्छे नंबर उसमें स्कोर कर जाएंगे। ओके, चलो। तो ये थी हमारी कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी कि हमें कैसे क्लियर करके चलना है। अब मैं कुछ टाइम टेबल आपको बता देता हूं कि आपको किस हिसाब से किस टाइम पे पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल के लिए आपका बेस्ट टाइम पीरियड रहता है पढ़ने का मॉर्निंग। यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। कुछ बच्चे रात को स्टडी करना प्रेफर करते हैं, तो अपने टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेरी ये प्रेफरेंस रहती है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िएगा। रात को पढ़ना से बेटर रहता है अर्ली मॉर्निंग पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट पीरियड क्या रहता है? पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट पीरियड रहता है जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। मॉर्निंग में ही सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होती है। अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे कम डिस्ट्रैक्शन रहती है, बट नाइट में आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी मिल जाती है, क्योंकि रात को लोग ऑनलाइन रहते हैं, फेसबुक पे ऑनलाइन रहते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, कुछ ना कुछ रात को तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, बट मॉर्निंग में कुछ भी नहीं मिलता। सुबह 4 बजे देखेंगे कोई भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, पर रात को फिर भी कोई ना कोई मिल सकता है। तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो 4 AM शार्प यू हैव टू वेक अप, पूरे 4 बजे उठ जाइए। 30 मिनट्स आप अपना फ्रेश व्रेश हुए, कुछ चाय वाय पीनी है, कॉफी वॉफी पीनी है, वो सब पी के 4:30 AM टू 3-3 घंटे की सिटिंग देनी है। 7:30 AM आप फर्स्ट 3 आवर्स पहले 3 घंटे निकाल लीजिए, 4:30 से 7:30। उसके बाद 7:30 AM टू 8:30 AM आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, पूजा वूजा करिए, सब चीजें कर लीजिए, ठीक है जी। फिर 8:30 AM टू 11:30 AM आपका सेकेंड 3 आवर्स की स्टडी हो जाएगी। अब देखिए, अब आप बच्चों से कैसे आगे निकल जाएंगे, कैसे आगे निकल जाएंगे, ये देखिए जी, ये जस्ट सेकेंड की हमने बात करी, ये देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सेकेंड की बात कर रहा हूं 11:30, कुछ बच्चे तो इस टाइम पर क्या करते हैं, सो के उठते हैं, 11:30 बजे सो के उठते हैं, और यहां तक आप 6 घंटे की स्टडी अपनी कर चुके हैं, आधे से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई का आप यहाँ पर दे चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कुछ बच्चे 11:30 उठेंगे, तब तक आप 6 घंटे की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ठीक है। तो 8:30 टू 11:30 आपने सेकंड 3 आवर्स की स्टडी रखी, देन 11:30 टू 1 PM आपको लंच वगैरह करना हो, यहाँ पर आप कुछ एक सवा घंटा सो भी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठेंगे, ऑब्वियसली इंसान के बॉडी में थकावट आ जाती है, तो वो 1 बजे तब तक थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर सकता है। देन अगेन 1 बजे से लेकर अगेन 3 घंटे की स्टडी आप किस टाइम पे निकाल सकते हैं बताइए, 4 बजे तक की, 4 PM तक की एक आपने थर्ड लॉट निकाल लिया 3 आवर्स का, देन आप 4:00 to 4:30 टी वगैरह, अपने किसी फ्रेंड वगैरह से बात बात करनी है, वो सब चीजें करके आप 4:30 to 7:30 या पार्क वार्क भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपने 4 से 5 का जो टाइम पीरियड रखा, 4 से 5:30 कीजिए, 4 से 5 अपना चाय वाय पी, किसी फ्रेंड से बात करी और थोड़ा वॉक वॉक कर जाइए, अपने माइंड को क्या कीजिए, थोड़ा सा फ्रेश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश होना भी जरूरी है, घर में बैठे बैठे भी दिमाग चलना बंद हो जाता है,
तो थोड़ा पार्क चले जाइए या थोड़ा सा घूम लीजिए, किसी फ्रेंड से मिल लीजिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। देन अगेन 5 to 8 आपका कौन सा लॉट हो गया, फोर्थ, फोर्थ लॉट हो गया 3 आवर्स का। देखिए 12 घंटे तो आप यहीं पढ़ चुके हैं। देन 8 to 8:30 आप क्या कर रहे हैं, 8 to 8:30 आप डिनर वगैरह कर लीजिए। देन 8:30 to 10:30 10:30 तक आप क्या कर सकते हैं, अपना फिफ्थ लॉट निकाल सकते हैं 2 आवर्स का। और ये जो 2 आवर्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने सब्सटेंशियल पोर्शन 12 आवर्स का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर इफेक्टिवली हमने स्टडी कितनी देर की कर ली, 14 आवर्स की, एंड दिस इज परफेक्ट। 14 घंटे अगर आप लगातार 3.5 महीने तक पढ़ते चले गए, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, बड़ी आसानी से आप क्या कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे, एंड विद गुड मार्क्स, एंड यू कैन इवन स्कोर रैंक। अब बच्चे कहेंगे सर सोएंगे कब, सोने के लिए बहुत टाइम है, 10:30 से 4 बजे तक कितनी देर हो गई बताइए, 10:30 से 4 बजे तक कितनी देर होगी आपके पास, 6 घंटे हो गए, और 1.5 घंटा पहले भी सो लिए, तो 7 घंटे मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इससे ऊपर की नींद की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 6 to 7 hours की नींद की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। 6 से 7 घंटे में दिमाग बड़ी आसानी से फ्रेश हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आपको क्लियर करके, तो अगर ये आपको पसंद आई है तो ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो नहीं देख पा रहे तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये स्ट्रेटेजी उनके पास भी पहुंचे, सारे बच्चे क्लियर हो। हमारा यही सबसे सबके लिए विशेष है, बेस्ट विशेष है कि सबके सब अपने एग्जाम क्लियर करके निकलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आपकी पूरी एग्जाम की जर्नी में नवंबर 18 तक, इवन उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ईमेल मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी 101% हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर विशेष, फॉर योर प्रिपरेशन। माई बेस्ट विशेष आर विद यू, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से बिल्कुल अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जो हुआ भूल जाइए, कुछ नहीं कर रखा उन चीजों में, उनको बार बार याद करने से कुछ नहीं होगा। अब बस ये सोचिए कि मेरे को अब ये अटेम्प्ट, मेरे लिए आखिरी अटेम्प्ट है, मेरे को इसमें क्लियर करना है विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड यू कैन इवन स्कोर योर रैंक। क्लियर है बच्चों? चलिए कैरी ऑन करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा आप लोगों के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।